गुड मॉर्निंग एवरीवन, पीसीएस वेलकम टू पीसीएस फिजिक्स क्लासेस। अपन ने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल से क्या मीनिंग होता है, कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल माने जाते हैं। उसके बाद आज अपन जो देखने वाले हैं वो होते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल की यदि मुझे स्टडी करनी है, एलिमेंट्री पार्टिकल को कंपेयर करवाना किसी से, तो उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है इंट्रैक्शन। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अपने पास टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, कि इंट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। तो यदि मैं टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करूँ तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि टाइप ऑफ इंट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। तो अपन के पास फोर टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा अपने पास दे रखा है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। फर्स्ट अपने पास है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। अब ये ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या होता है? तो फर्स्ट अपने पास ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन का मतलब होता है, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया। हिंदी मीनिंग में ध्यान होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में भी रहते हैं, बहुत सारे इंग्लिश में भी रहते हैं। तो अपन बोथ लेवल को लेकर चलेंगे, ग्रेविटेशनल अन्योन्य क्रिया, ठीक है। तो अपने पास जो फर्स्ट है अपने पास अन्योन्य क्रिया, वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया। तो फोर टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। तो ग्रेविटेशनल का मतलब होता है कि जो आप ग्रेविटेशनल लॉ जानते हो, क्लास 11 में आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये इंट्रैक्शन होता है। सेकेंड है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, जिसे अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। थर्ड होता है अपने पास विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया का मतलब है कि जो चार्ज वाले पार्टिकल की बात होगी उसमें इस इंट्रैक्शन की अपन बात करेंगे। थर्ड आता है अपने पास स्ट्रांग इंट्रैक्शन, जिसे अपन बोलते हैं प्रबल अन्योन्य क्रिया। स्ट्रांग नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कौन सा वीक होगा कौन सा स्ट्रांग होगा। तो ये क्या होता है? सबसे स्ट्रांग का इंट्रैक्शन होता है जो हाइड्रोन में पाया जाता है, तो प्रबल अन्योन्य क्रिया। और फोर्थ होता है अपने पास वीक इंट्रैक्शन, तो दुर्बल अन्योन्य क्रिया। क्या होता है? दुर्बल अन्योन्य क्रिया। तो आप तो इंग्लिश मीनिंग ही ध्यान में देना है आपको, हिंदी मीनिंग ध्यान में नहीं देना है। हिंदी तो इनके लिए है जो कोई प्रॉपर हिंदी मीडियम से है, जो उनको इंग्लिश का पता नहीं हो वो। तो फर्स्ट तो आ जाएगा अपने पास ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, सेकेंड आ जाएगा अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, थर्ड आ जाएगा स्ट्रांग इंट्रैक्शन और फोर्थ आ जाएगा वीक इंट्रैक्शन। अब इन इंट्रैक्शन में क्या क्या होता है वो सारा कंसेप्ट अपन को देखना है। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे कौन सी? ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या होता है। तो अच्छे से इसको समझते हैं कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया। तो गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया में अपन देखते हैं कि ये किससे डिफाइन होता है। तो फर्स्ट तो मैं कहता हूँ कि ये जो डिफाइन होता है वो किससे डिफाइन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से डिफाइन होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपके जो काम की चीज़ें वो मैंने सब यहाँ पर शो की हुई है आपके सामने। फर्स्ट अपन देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल का लॉ दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? जो ग्रेविटेशनल का लॉ दिया गया था अपने पास वो दिया गया था 1666 में। तो जो ग्रेविटेशनल का फर्स्ट लॉ दिया गया है उसी से रिलेटेड ये ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन भी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है कि जो लॉ दिया गया फर्स्ट लॉ ग्रेविटेशनल बाय न्यूटन इन 1666। फिर आता है अपने पास कि जो भी ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है वो कौन कौन से पार्टिकल के लिए अप्लाई हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वे पार्टिकल जिनका मास हो, यानी जितने भी पार्टिकल होते हैं सब पार्टिकल का मास होगा। यदि कोई मास वाले पार्टिकल है तो उसमें ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होगा ही होगा। तो ग्रेविटेशनल लॉ वैसे आपने पढ़ा हुआ है कि दो m1 m2 के मास ले लो, उसको r डिस्टेंस में क्या कर दूँ? सेपरेट कर दूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया कि m1 पार्टिकल ले लिया, दूसरा ले लिया मैंने कोई m2 पार्टिकल ले लिया, और मैंने इसको क्या किया? r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? r डिस्टेंस से मैंने इसको सेपरेट कर दिया। जब इसको r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया तो आपको पता है कि इसके बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो वो होता है अपने पास F = पढ़ा हुआ है ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F = g m1 m2 अपन में आर स्क्वायर, और वेक्टर की फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर कैप। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है, तो जो मास जी वे पार्टिकल जिनका मास अवेलेबल है, वे पार्टिकल जो मास को शो करते हैं, तो उसमें ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होगा।
थर्ड पॉइंट लिख रखा है कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के बेस पे कभी कोई पार्टिकल है वो रिपल्सिव नहीं होता, ऑलवेज क्या रहता है, अट्रैक्टिव रहता है। तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। फिर अपन ने लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर वर्क करता है, तो अपन ने लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू मास पार्टिकल, यानी यहाँ पे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन, बीच में एक्ट आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन ऑफ टू मास पार्टिकल, यानी जब दो मास वाले पार्टिकल होते हैं इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, वर्कआउट करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जब दो मास वाले पार्टिकल होंगे उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्कआउट करेगा। थर्ड दे रखा है कि अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे मैंने M1 ले लिया, M2 ले लिया, दो पार्टिकल लिए, उसको r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को अपन ऐसे निकालते हैं, दो जब भी दो पार्टिकल होता है M1 M2 r डिस्टेंस से सेपरेट होता है, तो उसका फोर्स इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, F=gm1m2/r2r3। तो यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन मास ऑफ टू पार्टिकल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। तो ये पता है कि जो F होगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो F होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, M1 और M2 के, प्रोडक्ट ऑफ मास के, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r2 के। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, तो मैंने यहाँ पे यही लिख रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन मास ऑफ टू पार्टिकल एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पार्टिकल। फिर अपने पास ग्रेविटेशनल जो इंट्रैक्शन होता है वो किसके बेस पे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पे। यानी अपन जो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो भी स्टडी कर चुके हैं, आपको जो भी पता है क्लास 11 के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, क्या मीनिंग होता है उसका, कैसे निकालते हैं अपन, तो वो सारा का सारा इसमें एप्लीकेबल होगा, सेम टू सेम। तो जहाँ पर ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है इसका मतलब वो किससे डिफाइन किया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पे डिफाइन किया गया है। फिर अपन बात करते हैं कि जब ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है वो किससे डिफाइन किया गया है, अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स से डिफाइन किया गया है। तो अपने पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो पहले तो फोर्स के बारे में भी जानना जरूरी है। तो अपन ने देखा है कि यहाँ पे जब टू मास M1 और M2 थे, उसको मैंने क्या कर दिया, टू मास M1 M2 को क्या कर दिया, r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो देखो जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की यदि मैं बात करूँ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा हुआ अपने पास कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मास एलिमेंट्री पार्टिकल। जब भी अपने पास दो पार्टिकल होंगे या दो एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे जिनका मास M1 M2 है, उसके प्रोपोर्शनल होगा, और जो इसके बीच की डिस्टेंस होगी उसके क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो F है, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो F है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सबसे पहले तो है M1 और M2 के, और जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r2 के। तो टोटल क्या हो जाएगा अपने पास, F इज इक्वल टू ये G क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा, M1 M2/r2 क्या हो जाएगा, r2। तो ये अपने पास क्या रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रहता है। अब मैं कहता हूँ कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स ये है तो इस पर और भी अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें जैसे जी यहाँ पर क्या है, जो ये कैपिटल जी है वो यहाँ पे क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है अपने पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी कुछ वैल्यू भी रहती है, वो वैल्यू आपको याद होगी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू रहती है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रहती है 6.67 इंटू टेन की पावर माइनस इलेवन, और इसकी यदि मैं यूनिट देखता हूँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में के जी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट रहती है। अपन निकाल सकते हैं कि जब जी की यूनिट निकालनी हो तो जी को एक साइड को बाकी सबको एक साइड भेज दो, फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, आर की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, और M1 M2 की क्या हो जाएगी अपने पास, के जी स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल जो कैपिटल जी था वो क्या था अपने पास, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था जो क्या बताता है, 6.61 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर बताता है। तो ये तो था अपने पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पे डिफाइन किया जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जानना जरूरी है। और ये क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है अपने पास, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। तो अट्रैक्टिव होने के लिए अपन को पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स कब होता है, जब अपने पास क्या आता है, माइनस का, यहाँ पे डायरेक्शन क्या आती है, माइनस की आर कैप। तो माइनस का आर कैप आता है, इसका मतलब क्या है, वो अट्रैक्टिव है। तो ये जो माइनस साइन बताएगा वो क्या बताएगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव को शो करेगा। किसको शो करेगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव को शो करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं, और इसकी जो बेसिक चीज़ होती है वो क्या होती है।
फिर अपन देखते हैं इसके और भी कुछ कंसेप्ट है उसके बारे में, तो बात करेंगे उस कंसेप्ट की कि और क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेंज की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, रेंज की। तो रेंज में क्या क्या होता है वो अपन को देखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये जो f है वो तो ये हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि यदि मैं f को वेक्टर क्वांटिटी में लिखूँ, यदि इसको मैं वेक्टर क्वांटिटी में लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस r कैप। माइनस क्या बताएगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स को शो करेगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा f प्रोपोर्शनल g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो ऐसे अपन फोर्स निकाल सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसकी रेंज की। किसकी बात करते हैं, इसकी रेंज की। तो जो ग्रेविटेशनल की जो रेंज होती है, क्या होती है, जो ग्रेविटेशनल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी मैं मान सकता हूँ कि देखो यहाँ पे अपने पास पॉइंट है कि जो भी अपने पास ग्रेविटेशनल की जो रेंज होगी वो क्या होगी, अपने पास यहाँ पे इनफाइनाइट होगी। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होगा सन में, स्टार में, मून में, वहाँ पर अपन यूज लेते हैं, तो उसकी रेंज क्या होगी, एक तरीके से इनफाइनाइट होगी। अब मैं कह सकता हूँ कि इसकी रेंज इनफाइनाइट है। क्या है इसकी रेंज, इनफाइनाइट है। अब इसमें जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के जो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सारे ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में भी आएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम। अब देखो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो क्या इसमें ये किसी मीडियम पर डिपेंड करता है क्या, कोई मीडियम वाली टर्म है क्या इसमें, कुछ भी टर्म नहीं है। जब मीडियम वाली टर्म नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर लिखा है अपने पास इट हैज़ नॉट डिपेंड इन वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी का भी इसमें कोई रोल नहीं है। कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से चलता है, कोई पार्टिकल है जो कम वेलोसिटी से चलता है, तो उसका भी कोई रोल है नहीं कि वो जो उसकी वेलोसिटी हाई है या लो है उससे कोई भी डिपेंड नहीं आएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो केवल और केवल एम वन एम टू और आर पर डिपेंड करेगा। फिर अपन ने लिखा हुआ है क्वांटा, क्वांटा ऑफ ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। अब ये क्वांटा क्या होता है, क्वांटा का मतलब होता है कि कोई भी मेरे पास एक पार्टिकल था और कोई दूसरा पार्टिकल था बी। क्या था, अपने पास कोई एक पार्टिकल था और कोई दूसरा पार्टिकल था, ए बी में क्या होता है कन्वर्ट होता है या बी ए में इंटरचेंज होता है। तो या फिर मैं कह सकता हूँ कि किसी भी पार्टिकल में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एक्सचेंज होता है। या फिर मैं जैसे नहीं मानते अपन कि एक हायर स्टेट है एक लोअर स्टेट है, कोई भी पार्टिकल हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो फोटोन को इमिट करता है। तो यहाँ पे सेम टू सेम ये कंसेप्ट आएगा, यहाँ फोटोन का नहीं आएगा। यहाँ पे कंसेप्ट आएगा कि जब भी पार्टिकल का क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, क्या करता है जब भी पार्टिकल एक से दूसरे में एक्सचेंज होते हैं तो वहाँ किसी पार्टिकल का रोल रहता है। उस पार्टिकल का नाम यहाँ पे क्या है, ग्रेविटॉन है। उस पार्टिकल का नाम क्या है, ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन होता क्या है, तो ग्रेविटॉन एक बोजोन कण है। ग्रेविटॉन एक क्या है, बोजोन कण है, जिसकी स्पिन क्या मानते हैं, बोजोन है, मतलब इसकी स्पिन क्या मानेंगे, इंटीजर की फॉर्म में 0, 1, 2, 3 की फॉर्म में होगी। इसका जो मास है वो मास क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। यानी ग्रेविटॉन का मास कितना होगा अपना, 0 होगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो ग्रेविटॉन है, ग्रेविटॉन एक बोजोन पार्टिकल होगा, उसका मास कितना होगा, 0 होगा। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। फिर अपने पास कि कंपेयर टू अदर इंट्रैक्शन इज डिफाइंड बाय कपलिंग कांस्टेंट। अब ये कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है और क्यों निकाला जाता है इसकी बात करते हैं। तो कपलिंग कांस्टेंट का मतलब होता है कि अपने पास कोई भी, अब जैसे मेरे पास 4 टाइप के इंट्रैक्शन है, एक ग्रेविटेशनल है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। यदि ये 4 टाइप के इंट्रैक्शन है, कितने टाइप के इंट्रैक्शन है, 4 टाइप के इंट्रैक्शन है। यदि 4 टाइप के इंट्रैक्शन है, अब मुझे इस इंट्रैक्शन को कंपेयर करना है। क्या करना है, मुझे इस इंट्रैक्शन को कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करोगे, तो कंपेयर के लिए कोई ऐसी टर्म तो होनी चाहिए कि भाई कौन सा स्ट्रांग होगा कौन सा वीक होगा। तो कंपेयर करने के लिए कुछ टर्म निकालनी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कि कंपेयर टू द अदर इंट्रैक्शन इज डिफाइंड कपलिंग कॉन्स्टेंट। कपलिंग कॉन्स्टेंट एक कॉन्स्टेंट होता है, उसके बेस पे इसको मैं अलग अलग इंट्रैक्शन के बेस पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो देखो वैसे इसका कपलिंग कॉन्स्टेंट होगा क्या, तो जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है उसका मैं कपलिंग कॉन्स्टेंट लिखता हूँ अल्फा जी से, किसके इक्वल होगा, तो ये होगा जी एम स्क्वायर अपॉन में एच कट सी। अपॉन में क्या होगा अपने पास, एच कट सी। ये क्या होगा अपने पास, कपलिंग कॉन्स्टेंट होगा। और इसी कपलिंग कॉन्स्टेंट के बेस पे मैं क्या निकालूंगा, इसकी स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ। तो इसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो क्या आती है, 10 की पावर में आती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसकी स्ट्रेंथ लिख सकता हूँ। तो अपन कह सकते हैं कि कपलिंग कॉन्स्टेंट के बेस पे यदि मुझे कोई भी इंट्रैक्शन है, अलग अलग इंट्रैक्शन है, उसको कंपेयर करना है, तो वहाँ पे मैं क्या निकालता हूँ, कपलिंग कॉन्स्टेंट निकालता हूँ। तो कपलिंग कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, एल्फा जी इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन में एच कट सी, जिसमें मेरे पास जी की वैल्यू तो क्या है, 6.67
इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास के जी स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू है, फिर अपने पास एच कट, तो एच कट इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन में 2π होता है। क्या होता है एच अपॉन में 2π। जो m है वो m अपन क्या काम में लेंगे, प्रोटॉन का मास काम में लेंगे, तो 1.67 इंटू 10^-27 क्या हो जाएगा -27 kg, क्या हो जाएगा 27 kg। c की वैल्यू यदि काम में लेनी है तो लाइट की वेलोसिटी 3 × 10^8। तो ये सारी वैल्यू मुझे क्या लेनी है, काम में लेनी है। जब ये मैं सारी वैल्यू काम में लूँगा तो इसका एक कॉन्स्टेंट डिफाइन होगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा, वो क्या आएगा अपने पास एल्फा जी इज इक्वल टू जी, तो ऐसे का ऐसे, ये तो जी ऐसे का ऐसे, एम स्क्वायर अपॉन में क्या होगा एच कट की जगह एच अपॉन में 2π, तो 2π कहाँ आ जाएगा इसमें ऊपर आ जाएगा, तो ये 2π और साथ में क्या हो जाएगा सी। तो इन सारों की यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10^-11। फिर हो जाएगा अपने पास क्या एम स्क्वायर, एम हो जाएगा 1.67 इंटू 10^-27, क्या हो जाएगा 10^-27 इंटू 2π, ये तो 2 × 3.14 ये हो जाएगा। और इसके नीचे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास h, h की h क्या होता है अपने पास प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10^-34, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 10^8 m/s। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे अपने पास कांस्टेंट आ जाएंगे। तो अपने पास कपलिंग कांस्टेंट निकालना है, तो यदि मैं इस पूरी को सॉल्व करता हूँ, इस पूरी को सॉल्व करता हूँ तो इसकी जो प्रॉपर वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है अपने पास 6 × 10^-39। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो कुछ मतलब होगा नहीं। वैसे इसको मैं कंपेयर करने के लिए ये निकाल रहा हूँ, केवल की अदर इंटरेक्शन से यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो ये एक तरीके से इसकी क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। किसकी स्ट्रेंथ कहलाती है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की, क्या कहलाती है अपने स्ट्रेंथ कहलाती है। तो कोई भी स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है, स्ट्रेंथ को इसलिए डिफाइन किया जाता है कि कौन सा इंट्रैक्शन स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन सा वो है, तो इंट्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए कपलिंग कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है। तो ये अपने पास सारे किसके कंसेप्ट थे, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के। तो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने ये आपको नोट्स की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो भी आप एक बार पूरा देख लीजिए। और जो जो मैंने ये डेरिवेशन का पार्ट होता है वो डेरिवेशन का पार्ट इसमें टाइप किया हुआ नहीं है, तो वो आपको जो जैसे मैंने लिखा है ये ग्रेविटेशनल का पार्ट जो वैल्यू वगैरह निकाल के रखी है, तो वो आप PDF की प्रिंट आउट करवा के या आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना के उसमें लिख सकते हो। तो ये इसमें क्या क्या है, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी है। तो फर्स्ट तो अपन ने देखा कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में क्या देखा कि जो ग्रेविटेशनल का लो था वो कब दिया गया था, 1666 में दिया गया था। क्या दिया गया था, ग्रेविटेशनल का जो भी लो था वो कब दिया गया था, 1666 में दिया गया था। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है वो हमेशा कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जहाँ पर दो मास वाले पार्टिकल होते हैं, m1 m2 दो मास वाले पार्टिकल होंगे वहाँ पर ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, यह दो मास वाले पार्टिकल के बीच में लगता है। यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो कहाँ लगता है, दो मास वाले पार्टिकल के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो टर्म आती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो पहले m1 m2 पर डिपेंड करती है, यानी f प्रोपोर्शनल m1 m2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r2। यदि m1 m2 या r चेंज होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन किससे करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से करते हैं। फिर अपन ने लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड जो जो बात की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड अपन क्या क्या जानते हैं, वो सारी चीज़ें देखी है। फिर अपन देखते हैं कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स की टर्म क्या क्या आती है, तो अपन ने देख लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर जी क्या है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10^-11, जिसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी यदि मैं रेंज की बात करता हूँ तो इसकी रेंज क्या होती है, इन्फाइनाइट होती है। इसकी रेंज क्या होती है अपने पास, इन्फाइनाइट होती है। और ये ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो वो किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें मीडियम वाली टर्म नहीं है, कोई भी एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं लिख सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं रहता। इसका जो क्वांटा रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर कई बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन का क्वांटा क्या होता है, और MSc एंट्रेंस एग्जाम लगता है
या कोई कंपटीशन के छोटे लेवल के एग्जाम लगते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड का हो गया, सेकंड ग्रेड का हो गया, जिसमें कॉलेज की बीएससी लेवल की पार्टिकल फिजिक्स आती है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द क्वांटा ऑफ द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, तो वहाँ पर उसका आंसर होता है ग्रेविटॉन। और ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेविटॉन कैसा पार्टिकल है, तो ग्रेविटॉन एक बोसॉन पार्टिकल होता है जिसका मास क्या होता है, जीरो होता है। जैसे फोटोन होता है वैसे ही एक पार्टिकल होता है जिसका मास जीरो होता है, और एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल में ये वर्क करता है। तो पार्टिकल को एक्सचेंज करने के लिए होता है वो क्या होता है, क्वांटा होता है, उसी क्वांटा का यहाँ ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन के लिए नाम हो जाएगा ग्रेविटॉन। यदि मुझे अदर इंट्रैक्शन जो अदर अलग अलग इंट्रैक्शन थे उसको यदि कंपेयर करवाना है स्ट्रेंथ के बेस पे, तो वो कंपेयर कैसे होगा, तो वो होगा अपने पास यदि मुझे उसको क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है, तो कंपेयर करवाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, कंपेयर करवाने के लिए मैंने कपलिंग कॉन्स्टेंट को डिफाइन किया है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कपलिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो कपलिंग कॉन्स्टेंट को डिफाइन किया, तो फर्स्ट अपने पास अदर इंट्रैक्शन से कंपेयर करवाने के लिए क्या डिफाइन करते हैं, कपलिंग कॉन्स्टेंट, जो क्या होता है कि स्ट्रेंथ निकालने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया कि F इज इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे इसका जो कपलिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन में एच कट सी। एच कट सी क्या होता है, तो एच कट तो एच अपॉन में टू पाई होता है, सी लाइट की वेलोसिटी होती है, जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू ये रहती है। और इसमें जो मास अपन को काम में लेना है वो मास काम में लेना कौन सा, प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻²⁷ kg। तो इसकी जो मैं स्ट्रेंथ निकालता हूँ ये कंप्लीट वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो इसकी फाइनल वैल्यू आती है वो आती है 6.6 × 10⁻³⁹ स्ट्रेंथ। तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कि 6 × 10⁻³⁹ इसकी क्या है, स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से ये अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ध्यान रखना है। तो ये तो था अपने पास पार्टिकल फिजिक्स का एक टाइप का इंट्रैक्शन कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या होता है, और उसी की बात किया कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, इसकी रेंज इन्फानाइट होती है वो ध्यान में रखनी है, इसका स्ट्रेंथ कितनी होती है वो ध्यान में रखनी है, इसका क्वांटा क्या होता है ये ध्यान में रखना है, कहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये तो था अपने पास आज की क्लास में ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बताया। अब मैंने जो कंटेंट तैयार किया वो कंटेंट आपका फिक्स है, इससे बार कोई क्वेश्चन जाता नहीं है, और अपन सारे जब भी ये पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट होगी तो अपन सारे टाइप के पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन जो जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं वो भी सारे सॉल्व करेंगे, तो आपको भी थोड़ा विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन इसी के अंदर से आ रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में दूसरे इंट्रैक्शन के साथ।